जय गुरु। आप सबको महाकाली पूजा, दिवाली और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभेच्छा। चलिए श्री श्री ठाकुर जी के हिसाब से महाकाली पूजा का विशेषता क्या है उसके ऊपर आलोचना करेंगे। हमें साधारणतः माँ कालींकर जो रूप देखिथाउ ताहा भीषण कृति जिह बाहर कर से महादेव छाती उपर छिड़ा होती काली जपरी चीर रहस्यावृत घोर अमावास्यार गभीर रात पूजा संपन्न हुए प्रहर पर प्रहर पुरोहित भावगंभीर स्वर में मंत्र उच्चारण करती काली कराल बदना विनिष्क्रांता सिपासिनी यही काली की कथित अच्छी से दुर्गा देवी ललाटर आविर्भूता देवी विशेष चंड नामक असुर को बद्ध करिया समय माँ का मुह क्रोधरे कृष्णवर्ण हो उठवर तर ललाट देशर कराल बदना अशी पाशुक्ता काली आविर्भूत हूँ मोट उपर बुझा जे माँ काली माँ दुर्गा ही अपर एक रूप से रूप असत विनाशार्थे जिहा ललन भीषाण भयंकरी श्यामा दुर्क्त दानवगण जिते पृथ्वी में प्रबल हो उठती सत और साधु व्यक्तिगण जिते से द्वारा निर्यात हमें धरणी स्वस्थ जिते विड़म्बित विध्वस्त होता है सेत जीव अस्तित्व रक्षार आविर्भूत हमें महाकाली जीवन जीवन गति जिते स्तब्ध हो आसे प्रभृतिर पाषाण चापर मनमरा हो मनीष जिते दिन काटू थाए आलस्य अविश्वास अकृतज्ञता और आत्मभरित डूबी रही से जिते निजक संकुचित कर तोले फलस्वरूप आ पथ खोजी पाए ना से प्रयोजन हुए काली आराधनार कारण काली वैशिष्ट अच्छी सकल प्रकार निथरता अपसारित कर जीवन सत्वत गतिवेग संचारित करवा 1956 साल नवंबर मासरे काली पूजा दिन संध्या समय दीपावली और माँ काली संपर्क में कथबार्ता चली था श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र निकट में कथा प्रसंग से कहले काली मध्य कल धातु अच्छी कल मान कण से अभिधान देखि कहला कल धातु मध्य अच्छी गति गणना शब्द संख्यान शुणी श्री श्री ठाकुर कहले मोर मन हुए काली मैने संख्यायनी गति संपन्न जीए अर्थात गुणित हो बढ़ी चलती जीए कौन गुणित हुए माँ का जहाँ सता संपद अर्थात माँ का स्नेह ममता कल्याणमयी प्रकृति सता संघाती शक्ति विरोध में पराक्रम ता ही गुणित हुए माँ का पूजा जो मैंने करती माँ को जो मैंने भल पाती से भितर यही सब गुण वृद्धि पाए अंतर से महाशक्तिर जागरण घटे माँ काली शक्ति भी कह जाए शक्तिर उपासना जो मैंने करती से शाक्त नाम अभिहित यही शक्ति है जीवनी शक्ति मनीष जिते निर्वीर्ज क्लीब और निष्कर्मा हो पड़े सेतबाद शक्तिर उपासन से फेरी पाए जीवन गतिवेग कर्मदक्षता साहस शक्ति और शौर्य जीवन शक्तिर अभाव मनीषर अंतर संपद निष्प्रभ हो पड़े तार प्राण छलना रहेना आउ शक्ति आराधन शक्ति जगि उठे काली एकाधार जपरी जीवन संरक्षक सेपरि पुणि जीवन को जहाँ दलित मंथित करे तार संहारक से भयदा पुणी भयनाशिनी माँ का सहित जी युक्त रहे माँ को जी विश्व प्रसविनी बोली भावे माँ का कल्याणमयी मूर्ति से उपलब्धि करिपे स्वीय आचरण भितर दे देखा दी राम प्रसाद कमलाकांत वामक्षेपा प्रभृति साधकगण एम माँ काली आपणार भावुले सहित एम राग अभिमान सुहाग सबकि पाला चले से निकट में माँ काली केवल पत्थर व मटीर मूर्ति नुहति देव भाव से आविष्ट माँ का महिमा और गुण वैशिष्ट अनुशीलन और आचरण भितर दे स्वय स्वय वैशिष्ट अनुजाई निज निज प्राण में प्रतिष्ठित करेणु से निकट ही प्रकृत हो उठी प्रतिमार प्राण प्रतिष्ठा राम प्रसाद तो प्राण खोली गाँवते माँ मूर्ति गढ़ाक जाए मनर भ्रमें मटी माँ टी कौन मोर मटीर झील मिछरे खटे माटी नहीं परम पुरुष श्री श्री रामकृष्ण देवों निकट भी मृणमयी काली चिन्मयी हो उठी थे ठाकुर निकट से केवल कृष्णवर्णा काली नुहति से कला मार पाद तले से आलोकर नाचन या छटा देखा पाती से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र भी कहते माँ मोर दीपान्विता माँ काली भितर से निज माँ को प्रत्येक कर छात्रावस्था से एक संगी सह दक्षिणेश्वर भवतारिणी मंदिर को जाते से दीपर पूजा सांग होता है उपस्थित समस्त प्रसाद वितरण करा श्री श्री ठाकुर प्रसाद पाया आगु मंदिर दरजा बंद हो गला आ प्रसाद दिजा ना कि ठाकुर से क्षुधार्थ प्रसाद नपाई से अभिमान
ମନ୍ଦିର ବାରଣ୍ଡା ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛର ଛାଇ ତଳେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସେ। ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ମା ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମା ଅବିନ୍ୟସ୍ତ କେଶି ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲାଲ ପାଢ଼ି ଶାଢ଼ୀ ପରିବୃତା ଗୋଟିଏ ହାତରେ ପାଣି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବରଫି ସନ୍ଦେଶ ଭରା ଥାଳି ଧରି ଉପସ୍ଥିତ। ଏହି ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ କରୁ ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବହୁବାର କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ଏକବାର ମୋ ମା ପରି। ମା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସି ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି କୋଳରେ ରଖି ପାଟି ପାଖରେ ସନ୍ଦେଶ ଧରି କହିଲେ ଖା। ଠାକୁର ଅଭିମାନ ଭରା ଗଳରେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଭୋକ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରସାଦ ଦିଆ ନଗଲା କାହିଁକି ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି। ମା ଶୁଣି ସସ୍ନେହ ହସି ହସି କହିଲେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆସିପାରେ। ଏହାପରେ ମା ବସି ବସି ପରମ ଆଦରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେହି ସନ୍ଦେଶ ଓ ପାଣି ଖୁଆଇଲେ। ନିଜରୁ ଉଠି ସେ ଠାକୁର ବୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ପିପାସା ମେଣ୍ଟି ଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ସେଠାରେ ଅତିବାହିତ କରି ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରୁ କଲିକତା ଚାଲିଆସିଲେ। କଲିକତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ପିପାସା କିଛି ନଥିଲା। ଏ ମା କ'ଣ ରହସ୍ୟବୃତା ଭୟଙ୍କରୀ ଶିଳାମୂର୍ତ୍ତି ମାତ୍ର ଯାହାର ସେ ଉପଲବ୍ଧି ନାହିଁ ତାହା ନିକଟରେ ତାହା ହିଁ କିନ୍ତୁ ଉପଲବ୍ଧି ମାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିକଟରେ ସେ ଚିରସ୍ନେହମୟୀ ସନ୍ତାନ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାୟିନୀ ଜନନୀ। 1956 ସାଲ ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀପାବଳି ଦିନ ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନବଦ୍ୟ ସନ୍ଦେହରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ମହାବାଣୀ। ଆଜି ଦୀପାଳି ମା ମୋର ଦୀପାନ୍ୱିତା ମା ମୋର ଜୀବନ ଆଲୋକ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଅସତ୍ ନିରତି ଅସି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ବର ଓ ଅଭୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟର ପରମ ଆଶ୍ରୟ ତେଣୁ ମା ଶିବାନୀ ଶୁଭାନୀ ମୋର ମା କଲ୍ୟାଣକାଳୀ ସତାର ସତ୍ୱର ସମ୍ୟକ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅମୃତ ଉତ୍ସ ଜୀବନର ଯୋଗ ନେତନା ସେ ଏଇ ଯେ ମୋର ମା। ଏହା 2 ନଭେମ୍ବର 1656 ସନ୍ଧ୍ୟା 6:43ରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଜ ହସ୍ତରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଚ୍ୟୁତ ନିଷ୍ଠା ନଥିଲେ କିଛି ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହେବା ପରେ ସାଧକ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିପାରେ ଏବଂ ସେହି ଅହଙ୍କାରରୁ ତାହାର ପତନ ଆସିବା ସମ୍ଭବ। ଗୁରୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବେଦୀ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ଯାହା କିଛି ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରୀତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ବଡ଼ ବା କାହାକୁ ଛୋଟ ଭାବିବାର ବୁଦ୍ଧି ଆସେନା। ପୁଣି ଏହି ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକତା ନ ରହିଲେ ଏକାପାଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ବି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା। ସେତେବେଳେ କହେ ମୋ ଶିବ ବଡ଼, କିଏ କହେ ମୋ କୃଷ୍ଣ ବଡ଼, କିଏ କହେ ମୋ ଦୁର୍ଗା ବଡ଼। ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଟ ଯିଏ ସେ ଦେଖେ ସମସ୍ତ ଦେବ୍ୟଶକ୍ତି ହିଁ ସେହି ପରମ ଏକରେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରବ୍ରହ୍ମର ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର। ତା ନିକଟରେ ଦେବତା ସମସ୍ତ ମରକୋଚ ସହ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ।